नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एज ए स्टडीज में। अगर आपने अशोक चक्र सीरीज एपिसोड 1 आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो एपिसोड जरूर देख लें। तो चलिए आज हम बात करेंगे अशोक चक्र से अवार्ड सम्मानित होने वाले 6वें भारतीय ऑफिसर के बारे में। जी हाँ, वो थे लेफ्टिनेंट PM रामन। PM रामन का जन्म 1934 में कन्नूर में हुआ था। उनके पिता मुथुस्वामी भी एक इंडियन आर्मी में मेडिकल कॉर्प में इमरजेंसी कमिश्नर ऑफिसर के रूप में तैनात थे। और जून 1956 में लेफ्टिनेंट PM रामन और इनकी कंपनी को नागालैंड के एटत्सांग इलाके में तैनात किया गया। और 3 जून 1956 को इनकी कंपनी को नागालैंड के कोहिमा जिले में भेजा गया, जहां एक गांव में कुछ माओवादी छिपे हुए थे। और वहां पे जाके इन्होंने डेरा डाला और सुबह होते होते हुए वहां पे उग्रवादियों ने इन पर हमला कर दिया। PM रामन ने इस हमले में अपनी वीरता दिखाते हुए कई मिलिटेंट को मार गिराया और खुद भी शहीद हो गए। उनकी इस बहादुरी और नेतृत्व के लिए, असाधारण वीरता और त्याग के लिए, अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के कारण इनको 26 जनवरी 1957 को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल JR सितोंस, ये गोरखा राइफल के एक ऑफिसर रैंक के अधिकारी थे और इनको नागालैंड में तैनात किया गया था जब नागालैंड इंसर्जेंसी करके एक ऑपरेशन चलाया गया था उसमें। और इन्होंने अपनी कुचल नेतृत्व का परिचय देते हुए अपने सैनिकों को सही दिशा में मार्गदर्शन किया और इसके परिणाम स्वरूप इनकी सेना ने और इनने मिलकर के टोटल 20 मिलिटेंट को मार गिराया। इनकी इस वीरता और कुशल नेतृत्व के लिए इनको 26 जनवरी 1957 को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। JS बाजीराव सकपाल, ये भारतीय सेना में एक सिपाही थे और इनको 26 जनवरी 1958 को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नंबर 9 पे कैप्टन एरिक जेम्स टक्कर। कैप्टन एरिक नागा हिल में तैनात मराठा लाइट इन्फेंट्री की दूसरी बटालियन की बी कंपनी का कमान संभाल रहे थे। और इनको सबसे पहला टास्क दिया गया था कि जो साकबामा से मेलुरी तक की जो भी कम्युनिकेशन लाइन है उनको सही करने का टास्क इनको दिया गया था। और इन्होंने ये टास्क बड़ी बखूबी से पूरा भी किया। 2 अगस्त 1957 को इनकी पलटन को एक उग्रवादियों द्वारा बिछाए हुए ट्रैप में फंस गए। ये इस ट्रैप के बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए सफलतापूर्वक इस ट्रैप से बाहर निकले तब इन पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले का जवाब देते हुए इन्होंने कई उग्रवादियों को मार गिराया और अपनी कंपनी को सुरक्षित लड़ाया। इस हमले में वे घायल हो गए और उसी जगह पर शहीद हो गए। उनकी इस असाधारण वीरता, कुशल नेतृत्व और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान के लिए 26 जनवरी 1958 को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नंबर 10 पे है मन बहादुर राय। कैप्टन मन बहादुर राय अशोक चक्र, मिलिट्री क्रॉस एंड इंडियन डिस्टिंग्विशन सर्विस मेडल, ये भारतीय सेना और इनसे पहले भारतीय ब्रिटिश सेना में भी काम किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए इनकी वीरता के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें मिलिट्री क्रॉस के सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। और इनका जन्म 10 जनवरी 1914 को दार्जिलिंग जिला बंगाल प्रेसिडेंटी, जो कि वर्तमान में वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है, उस वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये एक भारतीय सेना में आने से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी कार्य कर चुके हैं। 3 मई 1961 में नागालैंड इंसर्जेंसी के दौरान इनकी असाधारण वीरता और कुशल नेतृत्व के कारण इसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनको अशोक चक्र 26 जनवरी 1962 को दिया गया। नंबर 11 पे है सूबेदार मेजर खुरका बहादुर लिंबू, मिलिट्री क्रॉस, और ये भी भारतीय सेना से पहले इंडियन ब्रिटिश आर्मी में भी कार्यरत थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनको मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। नागालैंड इंसर्जेंसी के दौरान इनकी असाधारण वीरता और कुशल नेतृत्व के कारण इनको 26 अप्रैल 1961 को अशोक चक्र देने की घोषणा की गई, जो कि 26 जनवरी 1962 को इनको अशोक चक्र दिया गया। कैप्टन जसराम सिंह। कैप्टन जसराम सिंह का जन्म 1 मार्च 1935 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। और ये 1968 में मिजोरम में राजपूत रेजिमेंट की 16वीं बटालियन की एक प्लाटून की कमान संभाल रहे थे। और इन्हें सूचना मिली कि 50 मिलिटेंट मिजो हिल के पीछे छुपे हुए, और इन्होंने अपनी
ये सुनते ही इन्होंने अपनी बटालियन को निर्देश दिया और खुद नेतृत्व के लिए उन पर टूट पड़े। इस मुठभेड़ में 2 उग्रवादी मारे गए, 6 घायल हो गए और बाकी सब अपने हथियार गोला बारूद छोड़कर भाग गए। और कैप्टन जसराम सिंह की इसी वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 26 जनवरी 1969 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में और वीरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।